हेलो एवरीवन, आई एम निकिता सांकला, एजुकेटर एट द बैकबेंचर्स एकेडमी. वेलकम यू इन अनदर सेशन ऑफ साइंस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 3, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. सो लेट अस बिगिन विद अ चैप्टर एंड सी व्हाट इज देयर इन इट. नाउ इन द इमेज यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. नो लिविंग थिंग इज सिमिलर. एज वी स्टडीड अर्लियर, एवरी लिविंग थिंग has its own different characteristics, own distinct features and many other things. As we studied, they can be categorized by their distinct features or their different characteristics. Before we get into the chapter, let us recall what we studied in the previous chapters. In chapter 1, we studied about the natural resources, which are air, land and water. Then we studied about layers of land. Where do we find biosphere, lithosphere, hydrosphere, as shown here in the image, and how water cycle works, and many other things we did learn in the chapter 1. And then in chapter 2, we studied about the living world, different characteristics of living things, growth in living things, necessity of food, types of animals, respiration, excretion, response to stimuli and their movement, reproduction, and also many other things we studied in chapter 2 also. I hope you got clarity of these two chapters. So let us begin with our chapter 3, and that is about diversity in living things, and see what is there in the chapter. Now, जैसे कि आप सबको पता है कि every place has its own different climate, right? हर एक place का अपना अपना एक अलग climate होता है, climate differentiation होता है. हर एक different climate में living things रहते हैं. हमको पता है कि कोई भी climate हो वहाँ पर living things रहते हैं, and they वो वहाँ पर adjust करते हैं, they adjust there. Do you know कि certain animals भी है जिनको heat नहीं चलती है, जो वो climate heat climate में adjust नहीं कर पाते हैं, like polar bear. अपने example याद हम ले सकते हैं polar bear का, जो बहुत ही cold place पर रहना पसंद करता है, cold climate पसंद करता है. अब Africa में जाओगे तो you cannot find polar bear, right? But जहाँ पे cold places है वहाँ पे polar bear आप देख सकते हो. जैसे India, India में भी polar bear survive नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी climate बहुत अपना heat रहता है. सो जैसे जनरली जो है पोलर बियर कोल्ड प्लेस पर रहता है. एक और एग्जांपल, वन और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो हम कांगरूज जो ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं जनरली, बाकी और क्लाइमेट में कहीं पे भी वो नहीं दिखेगा, पर कांगरूज जो है ओनली हमको कहाँ मिलता है, इन ऑस्ट्रेलिया वी कैन फाइंड कांगरू. स्पेशली लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्यों? क्योंकि कांगरूज उनको देखने होते हैं. बट ह्यूमन बींग्स जो है वो हर क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, एंड कहीं जाते नहीं हैं, कहीं जाते भी है वो क्लाइमेट में भी एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज उनमें एबिलिटी है कि वो क्लाइमेट में वो एडजस्ट करे, वो रह सके वहाँ पर. नाउ हमने स्टडी किया अबाउट द क्लाइमेट चेंज इन लिविंग थिंग्स, ओके, और उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं. बट अब आगे लेट अस स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. अभी वी कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमको अलग अलग प्लांट्स दिखते हैं हमारे आजू बाजू बहुत सारे. कुछ ग्रास इतने छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, लाइक कोकोनट ट्रीज. सम प्लांट्स कैनोपी, कैनोपी मतलब सम प्लांट्स जो है उनको कैनोपी होती है. कैनोपी मतलब हम क्या बोलते हैं, द अपर मोस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज जो होती है ना, उसको हम कैनोपी बोलते हैं. बट डू यू नो कि कुछ प्लांट्स अंडर वाटर ग्रो करते हैं और कुछ पानी पे फ्लोट करते हैं? यस, इसमें भी ऐसा डिफ्रेंसिएशन है. कुछ अंडर वाटर ग्रो करते हैं और कुछ फ्लोट्स ऑन वाटर. अब जैसे लोटस है, आपने देखा होगा जनरली वाटर पे उसका प्लांट फ्लोट करता है, बहुत छोटा सा प्लांट होता है लोटस का, जो एक फ्लावर प्लांट है. हम देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, जैसे कि डेजर्ट, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. जैसे कैक्टस हो गया, डेजर्ट एरिया में जनरली हमको कैक्टस जैसे प्लांट्स ग्रो करते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत हीट वाला क्लाइमेट होता है, कैक्टस को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है. फिर सेम कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में वैरायटी होती है. सेम कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है जैसे कैक्टस, कैक्टस में भी आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप के कैक्टस होते हैं, वैसे उसमें वैरायटी देखने को मिलती है. अदर एग्जांपल्स हम कुछ देख सकते हैं, तो हम स्लाइड में देख सकते हैं कैक्टस है, कुछ फ्लावर पॉन्ड्स, फ्लावर प्लांट्स बताए गए, और फिर स्लाइड में भी आपको और दिए गए हैं कि राइस है, वीट है, डिफरेंट काइंड ऑफ रोजेस है, मैंगोज है. ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लांट स्टीम लीव्स या फिर रूट से ग्रो हो, कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो इनके बिना ग्रो करते हैं. हम आगे और डिटेल में डाइवर्सिटी इन प्लांट्स स्टडी करेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अभी आगे अभी हमने ये तो स्टडी कर लिया कि प्लांट्स के कैटेगरीज, टाइप्स, वो सब कैसे हो सकते हैं. अभी हम इसमें स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स तीन है, जैसे कि हम स्लाइड में हमको दिख रहा है. एक फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक, सेकंड है हेटरोट्रॉपिक,
और तीसरा है इंसेक्टिवोरस। ये तीन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। अभी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स किसको बोलते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, जो प्लांट्स सनलाइट में अपना खुद का फूड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। एग्जांपल जैसे कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, पेरीविंकल है, हिबिस्कस का, ये दोनों का एग्जांपल दिया गया है। नाउ आगे हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स किसको बोलते हैं, जो प्लांट्स हैं दूसरे प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं, जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। एग्जांपल लाइक स्लाइड यू कैन सी, यहाँ पे दिया गया है फंगस का और डूडर का, ये जो है दूसरे प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। अब आगे हम देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसको बोलते हैं, जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे स्लाइड में अब एग्जांपल अपने को दिख रहा है पिचर प्लांट का, ये क्या करता है, दूसरे इंसेक्ट को कंज्यूम करता है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं एक इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो हमने यहाँ तीनों स्लाइड में क्या स्टडी किया, अभी टाइप्स ऑफ प्लांट्स स्टडी किए। नाउ आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट स्टडी करते हैं डिटेल में, जैसे कि हमने पहले बोला था। अभी सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लांट का स्ट्रक्चर पार्ट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लांट्स का स्ट्रक्चर जो है इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है स्टेम ग्रोज करते हैं ग्राउंड के ऊपर एंड अदर जिनको हम रूट्स बोलते हैं विच ग्रोज ग्राउंड सर्फेस के नीचे। ग्राउंड सर्फेस के नीचे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स, और जो ग्राउंड सर्फेस के ऊपर ग्रो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम्स। प्लांट्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है आपको पता है, प्लांट्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं रूट, स्टेम्स और ऑफकोर्स लीव्स। यस, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के। नाउ जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था, जैसे टाइमली लीव शेड होते हैं, फिर उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि लीव शेड होते हैं प्लांट्स जो है इस प्रोसेस के, फिर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, फिर फ्लावर से हम देखते हैं कि फ्रूट्स बनते हैं, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट्स में होते रहते हैं। और जो बीज जो हम बोते हैं, सीड्स जिसको हम बोलते हैं, बीज जो हमने बोए वो नए प्लांट्स को फिर ग्रो करते हैं। जैसे धना हम बोलते हैं, कोथम्बीर उगाने के लिए धना हम बोते हैं, कोथम्बीर से धनिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, अभी इस स्लाइड में आपको इमेज में दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट हम और बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में द लीफ लिखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नीचे और लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर लीफ, ये दोनों से अगर सेम ही लिखा है तो एक साइड का हम देखते हैं, आपको दोनों साइड का ध्यान में आ जाएगा। इन दिस साइड हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट हम डीप में स्टडी करेंगे। अभी हम इमेज में जैसे देख सकते हैं कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स का नाम बताया आपको, जैसे शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऐसा। अभी हम शूट सिस्टम किसको बोलते हैं, जो अपर पोर्शन ऑफ सॉइल है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। सॉइल के नीचे का जो पोर्शन है दैट वी कॉल ग्राउंड के नीचे का, सॉइल के नीचे का, ग्राउंड के नीचे का, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। अब हम देखते हैं फ्लावर, लीफ एंड रूट्स के बारे में डिटेल में। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे लीफ के बारे में। अभी लीफ जो है वो अभी हम इमेज में हमको दिखे, लीफ कैसी है, फ्लैट है, और लीफ जो है फूड प्रोड्यूस करने में हमको बहुत हेल्प करती है। लीव्स के मेन कौन से दो टाइप है, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स, ये दो टाइप्स लीव्स के मेन है। अभी सिंपल लीफ हम किसको बोलते हैं, जिसको आगे स्मॉलर लीफलेट, लीफ में लीफ जिसको हम बोलते हैं वो नहीं आएगा, एक सिंपल लीफ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ के इसको बोलते हैं हम, जो इसका टोटली अपोजिट है, जिसको लीफलेट्स आएंगे आगे, लीफ इंटू लीफ इंटू लीफ, ओके। ये दोनों टाइप्स के लीव्स हमको देखने को मिलते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। अभी हम आगे देखते हैं फ्लावर्स के बारे में। नाउ फ्लावर्स जो है प्लांट का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। हमको जनरली देखते हैं फ्लावर्स प्लांट का बहुत अट्रैक्ट करता है, कोई भी प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर जो है स्टेम से कनेक्टेड होता है, फ्लावर जो है स्टेम से कनेक्टेड होता है स्टॉक के थ्रू। अब स्टॉक मतलब क्या, यू मस्ट हैव अ डाउट, स्टॉक जिसको बोलते हैं सपोर्ट ऑफ लीफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। जब जो स्टॉक है जो प्लांट की, जो प्लांट के स्टॉक है वो शॉर्ट भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, सपोर्ट ऑफ लीफ, ओके, तो वो शॉर्ट भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है। हम जनरली देखते हैं कि फ्लावर के एक टिप, हम जनरली नोटिस करते हैं कि फ्लावर का एक टिपिकल कलर होता है, शेप होता है। जैसे लीफ इंपॉर्टेंट है फूड प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी प्लांट में, वैसे ही फ्लावर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे फ्रूट प्रोड्यूस करता है, राइट, जैसे कि हमने प्रीवियस स्टडी किया। तो ये दोनों चीज़ें प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, दैट इज लीफ एंड फ्लावर।
अब हमारे लीफ और फ्लावर के बारे में तो जहाँ स्टडी कर लिया, बट हम रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे अब. यस, आप बहुत एक्साइटेड हो ना? राइट, हम रूट्स का स्टडी करते हैं. रूट जो है सॉइल को होल्ड करने में बहुत हेल्प करता है एंड प्लांट को एंकर करता है. एंकर मतलब जो प्रॉपर प्लांट को सपोर्ट दे, स्ट्रक्चर दे, उसको हम एंकर बोलते हैं. रूट का मेन फंक्शन क्या है? वो वाटर को एब्जॉर्व करता है एंड उसको शूट सिस्टम में, जैसे कि हम यहाँ पे शूट सिस्टम देख रहे हैं, अपर पोर्शन ग्राउंड लेवल का जो है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट करता है. सॉइल से वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी लेता है और वो भी वो आगे फिर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर के साथ साथ. कैरेट और रेडिश, ये रूट्स है जो वो फूड प्रोड्यूस, ये कैरेट और रेडिश के रूट्स जो है वो भी फूड स्टोर करने में मदद करते हैं. अभी रूट्स के भी दो टाइप्स है जिसको हम नेमली जान सकते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में. टैप रूट मतलब क्या? टैप रूट मतलब जो स्ट्रेट और थिक होता है एकदम और वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है. और फाइब्रस रूट जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है. ये रूट मैटमेट जैसा दिखता है और जो ट्रीज जब फुल्ली मैच्योरिटी लेवल अपनी पहुंच जाते हैं तब वो ये रूट जो है ग्रो करते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट. अभी आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का नेसेसरी रीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी कर लिया, अब हम उसके क्लासिफिकेशन की नीड और वो क्यों ज़रूरी है क्लासिफिकेशन प्लांट्स का करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे. हमने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी सिमिलैरिटीज़, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है उसके बारे में हम जान सकें, उनमें ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, उन ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या क्या है, वो किस तरह से हम हेल्प करते हैं और उनमें वो क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं, मैच्योरिटी लेवल वगैरह, हम उसके लिए हमको उसका क्लासिफिकेशन प्लांट्स का भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. इतने वैरायटी ऑफ प्लांट्स क्यों है हमारे आसपास, क्यों है, कैसे ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना और उसके बारे में स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ क्या आपको पता है कि सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किसने किया था? फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किया था साइंटिस्ट विच इज नेम एज कार्लस लिनेंस, जहाँ पे इसका फोटो आपको दिखेगा एंड नेम ऑल्सो ध्यान से आप देख लेना. इस साइंटिस्ट की जो फिर आगे मेथड है वो सारे लोगों ने यूज़ की प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए. नो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, आप ये देख सकते हैं, जैसे कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई बहुत घने प्लांट्स है, ज़्यादा उसमें बहुत लीव्स है, बहुत ग्रीन है वो प्लांट, ऐसे अलग अलग आपको दिख रहे होंगे. तो ये जो है साइज, शेप, ये सब डिफर कर रहा है यहाँ पे, उनके फीचर्स डिफर कर रहे हैं. जितना स्ट्रांग हमारा ऑब्जर्वेशन है आसपास का उतना हमको पता चलेगा कि ये प्लांट में क्या चेंज है, ये प्लांट किसका है, ये प्लांट ऐसा ही क्यों है. जैसे कि हमने प्लांट के स्ट्रक्चर में स्टडी किया, ये प्लांट किस तरह से अपना फंक्शन करता होगा या अदर चीज़ों में किस तरह से हेल्प करता होगा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ स्टडी करने को मिलती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में. नाउ ट्रीज़ के बारे में और डीप में हम स्टडी करते हैं. अभी प्लांट्स मतलब क्या, छोटे होते हैं वो सारे ट्रीज़, मतलब क्या आपको यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा होगा, बहुत बड़े होते हैं, टॉल होते हैं ट्रीज़. सम प्लांट्स बहुत टॉल ग्रो होते हैं, उसको फिर उनके स्टेम, ट्रंक, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, हाइट भी उनके ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर होती है. उनको फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें फ्रूट्स आते हैं और वो बहुत साल तक लाइफ लॉन्ग लीव करते हैं. उनको इन सबको हम क्या बोलें, इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, ट्रीज, मतलब प्लांट्स जो टॉल स्ट्रॉन्ग अच्छे से ग्रो कर रहे हैं बहुत साल तक रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज. ट्रीज जो है बहुत टॉल रह सकते, जैसे कि हमने पहले भी आपको बोला मैंने, ट्रीज बिग रह सकते हैं, टॉल रह सकते हैं, पेरेनियल रह सकते हैं. पेरेनियल मतलब किसको बोलते हैं हम, जो बहुत सालों तक लीव करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं लाइफ लॉन्ग. अभी श्रब्स के बारे में हम देखते हैं, अब स्टडी करते हैं श्रब्स के बारे में. सम प्लांट्स एकदम ग्राउंड लेवल पे ग्रो करते हैं, जैसे आप इमेज में यहाँ देख रहे हो कि सम प्लांट्स बहुत ग्राउंड लेवल पे ग्रो करते हैं, उनको आगे कुछ ग्रोथ नहीं होती है. तो ये प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, एग्जांपल इमेज में हमको जैसे दिख रहा है. अभी श्रब्स जो शॉर्ट होते हैं ट्रीज से भी बहुत छोटे होते हैं ये, और इनके स्टेम्स थिक होते हैं, हार्ड होते हैं. इनमें आपको स्टेम्स दिखाई इतने नहीं देंगे, बट वो बहुत हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. ट्रीज से बहुत छोटे होते हैं श्रब्स, एकदम ग्राउंड लेवल पर ग्रो करते हैं इनके. और एग्जांपल आपको जो तो स्लाइड में मैंने आपको बताया, ओलेंडर है, हिबिस्कस है, जो 2 से 3 मीटर तक ही ग्रो करते हैं. अब आगे
हर्ब्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमने श्रब्स के बारे में तो स्टडी कर लिया, अब हर्ब्स किसको बोलते हैं? हर्ब्स जो है ये 1 से 1.5 मीटर तक ही ग्रो करते हैं, इतने टॉल होते हैं, और ट्रीज और बुशेस से ज़्यादा ग्रीन होते हैं ये। ट्रीज और बुशेस जो हम देखते हैं जनरली, उससे ज़्यादा ये ग्रीन होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं हर्ब्स। और इनकी लाइफ स्पैन जनरली कितने होती है? ये तो ये कुछ महीनों तक ही रहेंगे, या फिर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही ये रहते हैं, इससे ऊपर ये लीफ नहीं करते हैं हर्ब्स। अभी जो है साइज़ और हाइट ऑफ स्टेम्स ऑफ प्लांट्स की जो है, उसकी वजह से हम 3 चीज़ों में जान सकते हैं कि प्लांट्स के टाइप्स क्या क्या है। ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, ये 3 टाइप्स के प्लांट्स हमारे पास हमको मिले हैं जितना हमने स्टडी किया अभी उस पे से। नाउ वाइन्स, अब हम स्टडी करेंगे वाइन्स के बारे में। वाइन प्लांट किसको बोलते हैं? दो अलॉन्ग विद द ग्राउंड एज सीन इन द इमेज ग्रो करते हैं, जैसे ट्विस्टिंग स्टेम्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट में देखते हैं उसके स्टेम्स बहुत ट्विस्टिंग होते हैं। इमेज में भी आपको दिख रहा है कि इसका स्टेम्स जो है बहुत ट्विस्टिंग है, और वर्टिकल सपोर्ट इनको ग्रो करने के लिए एक लगता है, इनको हम क्या बोलते हैं? वाइन प्लांट। ऑन द अदर हैंड जो होता है, कुछ ऐसे भी वाइन प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड पर ही सिर्फ स्प्रेड होते हैं, ग्राउंड की ग्राउंड पर, ज़्यादा ऊपर तक वो ग्रो नहीं करते। हम जिसको हम बोलते हैं, नहीं ऐसे ही बस इतना ही वाइन जिसको हम बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। अभी ये जो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स जो है, जैसे जवार का प्लांट हो गया, सनफ्लावर का प्लांट हो गया, ये एक साल में इनकी लाइफ स्पैन कम्प्लीट हो जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं? एनुअल्स। और जो कुछ प्लांट्स हो गए जैसे कैरेट हो गया, बीटरूट का हो गया, ये 2 साल तक रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बाइनियल्स। और जैसे श्रब्स है कुछ, जैसे हिबिस्कस हो गया, ओलेंडर हो गया, और मैंगोज, गुलमोहर, ऐसे कुछ ट्रीज हो गए, ये बहुत सालों तक रहते हैं, सेवरल ईयर, जैसे 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे बहुत साल तक। और में फ्लावर्स, फ्रूट्स भी आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल्स। तो इन चीज़ों से हमको क्या मालूम पड़ा ये पूरे स्लाइड में, कि एनुअल्स किसको बोलते हैं? जो प्लांट्स 1 साल तक रहते हैं। बाइनियल्स किसको बोलते हैं? जैसे कैरेट, बीटरूट, जो 2 साल तक रहते हैं। और पेरेनियल्स किसको बोलते हैं? जो बहुत साल तक रहते हैं, जैसे क्या, जैसे हिबिस्कस का हो गया, ओलेंडर का हो गया, मैंगो का हो गया, गुलमोहर का हो गया। ये इनके लाइफ साइकिल पर डिपेंड होता है कि ये कौन से कैटेगरी में ये प्लांट बिलोंग करता है, हम इसको कैसे कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी प्लांट्स जो फ्लावर्स बेयर कर सकते हैं, जिनको फ्लावर्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिनको कभी फ्लावर्स नहीं आते, जो प्लांट्स का फ्लावर्स नहीं आते, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को ऑर्गन नहीं भी रह सकते, जैसे कि रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये ऑर्गन उनको नहीं भी रह सकते नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को। अभी डिफरेंट प्लेसेस पे हमको दिखते हैं कि अलग अलग टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे हम अभी साउथ इंडिया में गए तो जनरली वहाँ पे हमको कौन से प्लांट्स दिखेंगे? कोकोनट ट्रीज। वो क्लाइमेट क्योंकि उस प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत सूटेबल है। डिफरेंट प्लेसेस पे जो हमारे पास है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं। और प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और द प्लेस वेयर दे ग्रो। तो प्लांट्स हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? उनके हैबिटेट की वजह से, या जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं उस प्लेस की वजह से, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, जो भी एरिया है वो उनके हैबिटेट पर डिपेंड करता है कि वो प्लांट कैसा ग्रो करेगा, उसके लाइफ साइकिल वगैरह कैसी रहेगी, वैसे सब। अभी डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। अभी हमने प्लांट्स के बारे में तो इतना स्टडी कर लिया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें डाइवर्सिटीज़ कितनी है, प्लांट्स के कितने टाइप्स है, ट्रीज किसको बोलते हैं, प्लांट्स किसको बोलते हैं। अभी हम आगे स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स के, अलग अलग एनिमल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी डिफरेंट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट शेप्स में ग्रो करते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। अभी एनिमल्स में सबसे ज़्यादा हमको गुड वैरायटी देखने को मिलती है, अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट शेप्स होता है, स्ट्रक्चर होता है। अमीबा हम बोलते हैं ना अमीबा, उसको हम अपने आँखों से देख नहीं सकते, और एलिफेंट जो बहुत बड़ा होता है, दिख जाता है हमको दूर से भी। फिश जो है वाटर में स्विम करती है, स्नेल जो बहुत स्मॉल होती है, काइट दैट फ्लाइज इन हाई इन द स्काई, बटरफ्लाइज होते हैं जो फ्लावर्स के आसपास घूमते हैं, लीजर्ड भी हमको घरों में बहुत बार दिखती है जो वॉल पे क्रॉल करती रहती है, और ऑल अदर एनिमल्स, जो ऐसे बहुत टाइप्स के अलग अलग एनिमल्स हैं। इन सब की क्या देखते हैं हम? एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स को, क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेड हो गया, नेक हो गया, टेल हो गया, लिम्स हो गया, मूवमेंट करने के लिए उनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, और अलग अलग ऑर्गन्स भी होते हैं एनिमल्स में, जो उनके सिस्टम को फंक्शन करता है, उसमें सिस्टम को वर्क करने के लिए हेल्प करता है। इसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि एनिमल्स में इतनी डाइवर्सिटी है हमारे पास, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स के बारे में हमको पता चला। नाउ
हम आगे अभी ये स्लाइड से देखते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेन ऑफ बोन्स एट द सेंटर ऑफ अवर बैक कॉल्ड. अभी हमने नोटिस किया होगा कि हमारे बैक में एक चेन ऑफ बोन्स है बहुत बड़ी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम. एनिमल्स विच ले एग्स एंड अदर्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. अभी जैसे हमने रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था कि कुछ लेग्स एग्स ले करते हैं और कुछ उनके यंगर वंस को बर्थ देते. अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिप्रोडक्शन के बारे में रिप्रोडक्शन में हमने स्टडी किया था. अभी आफ्टर फ्यू डेज यंग चिक्स हैच आउट ऑफ द एग्स. कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि उसमें से चिक्स निकलते हैं. काउ किसको बर्थ देता है, काफ को. काफ जो विद इन काउज बॉडी के अंदर वो ग्रो होता है पूरे रिप्रोडक्शन के वजह से. नेमली अभी जो है इसके वजह से हमको क्या पता चलता है कि एनिमल्स आर क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स. एनिमल्स जो है टू टाइप्स में क्लासीफाइड हम कर सकते हैं, ओवी पोरस विच ले एग्स एंड वीवी पोरस एनिमल्स. ओवी पोरस किसको बोलते हैं, जो लेग्स एग्स ले करते हैं, और वीवी पोरस उसके अपोजिट जो यंगर वंस को उनके बर्थ देते हैं. नाउ वेर आर द एनिमल्स नेमली अ हॉर्स अ बेयर अ टॉर्टोइस एन एलिगेटर अ फिश अ डियर एंड अ फ्रॉग टू बी फाउंड. ये सारे जो एनिमल्स के मैंने अभी नाम लिए जनरली वो हमको कहाँ फाउंड होंगे, अभी उनके हैबिटेट पर डिपेंड है. एनिमल्स आर यूजली क्लासीफाइड इंटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स. एनिमल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं उनके हैबिटेट के वजह से, एक तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो सकते हैं या फिर एक्वाटिक एनिमल्स हो सकते हैं. एनिमल्स लाइक फ्रॉग है, सेलेमेंडर है, टोड लीफ है, ये दोनों जगहों पर रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं. देयरफॉर इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियस एनिमल्स, जो लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर पे भी रहते हैं. और अ काइट, ईगल, क्रो, बटरफ्लाई, हनी बी, ये जो है एयर में फ्लाई करते हवा में उड़ते हैं, हमने देखा है, तो उनको हम डिफरेंट प्लेसेस में पाते हैं, अलग अलग जगह, वो एक जगह पे कभी नहीं रहते. इसके लिए उनका एरियल मोड ऑफ लाइफ हम बोलते हैं, जो हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं. दे डोंट हैव एनी फिक्स प्लेस, उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है जहाँ पे वो रहते हैं. ओके, नाउ हियर वी एंड आवर चैप्टर. आई होप यू लव द सेशन. टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.